एबीपीएस न्यूज की टीम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक मुदरती स्थित ग्राम सैनपुर हमीर पहुंची। लगभग 5000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान ओम प्रकाश हैं, जिन्होंने गांव में रोजगार सेवक, राशन कोटेदार व सफाई करने की तैनाती भी गाँव में करवाई है। बात अगर प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की करें तो उन्होंने गाँव में सड़कों का निर्माण करवाया है, साथ ही सोलर लाइटें भी गाँव में पथ प्रकाशन के लिए लगवाई, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने गांव में शौचालयों का भी निर्माण करवाया है, जिससे गांववासी खुले में शौच को ना जाएं, गांव व भारत को स्वच्छ भारत बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाले आवासों का भी ग्रामीणों को आवंटन किया जा चुका है। वहीं गांव को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने गांव में किनारे पर कूड़ेदान की भी व्यवस्था की है। बात अगर शिक्षा की करें तो इस गांव में लगभग 600 बच्चे जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण करते नजर आते हैं। वहीं विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी तरीके के लाभों को लाभार्थियों को लाभान्वित भी ग्राम प्रधान द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गांव में 24 हैंडपंप लगवाए गए हैं, साथ ही साथ गांव को बिजली से दुरुस्त करने के लिए 100 बिजली के पोल व 5 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए गए हैं। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से उन्होंने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द फंड दुरुस्त कराया जाए, जिससे उनके गांव में शमशान घाट व पंचायत भवन जो टूटा पड़ा है उसको भी दुरुस्त कराया जा सके। ग्राम बच्चा तो हुसैनपुर अमीर ब्लॉक सुंदरसी जिला मोटावा। हमारे गांव की जनसंख्या लगभग 5000 के करीब में है। हमारे यहाँ पे जो मतलब गरीब बस्तियाँ थीं, दलित बस्तियाँ थीं, उनमें सीसी टैल का काम कराया है और बाकी हर चौराहे पे सोलर लाइट लगवाई है और बाकी स्कूलों में अभी काम चल रहा है, टॉयलेट वगैरह सब अच्छे करा दिए हैं। एक आंगनवाड़ी केंद्र को सौंदर्यकरण कराया था, जिसमें सीसी टैल वगैरह और जो टाइल होती है पत्थर की उसमें कराया था। बाकी हमारे गाँव में समस्या बस एक ही है, स्वास्थ्य विभाग की। हमारे पहले अस्पताल हुआ करता था जो सही था, लेकिन कुछ मतलब अब जर्जर भूमि मतलब जर्जर मकान हो चुका है वो। अब हमारे गांव में मांग बस यही है कि अस्पताल सही हो जाए वो, और दूसरी मांग ये है कि थोड़ा ये इंटर कॉलेज बन रहा है वो थोड़ा काम जल्दी से हो जाए। एक तालाब को सौंदर्यकरण कराया था, एक तालाब और है अभी सौंदर्यकरण कराने के लिए। उसकी उसमें हर बार मिट्टी डलवाते हैं, उसके रास्ते में उसमें पानी से कट जाता है। समस्या ये है कि इतना पैसा नहीं आता, जिससे कि उसकी बाउंड्री वाल हो चुके हैं। और एक शमशान घाट की मांग है, शमशान घाट हो जाए हमारे यहाँ, बन जाए ढंग से। और पंचायत भवन भी हमारे जर्जर स्थिति में है, जैसे कोई भी अधिकारी आता है तो उसको बैठने में परेशानी होती है।